सो गाइज लेके आ चुके हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल अपनी कलेक्शन के लिए, एंड वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में आगे डिटेल्स आपको बताएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव के सबसे बड़े ठेके पे, एंड देखते हैं वहाँ पे काफ़ी तरीके की सुना है विस्कीज़ वगैरह मिलती हैं जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस पे हैं बाकी मार्केट के मुताबिक। एंड चलते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। एंड यार पता है सबसे मेन बात क्या होता है ना, ठेकों पे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन मैंने सुना है जहाँ तक गुड़गांव के ठेकों पे तो यार एकदम शोरूम ही जैसा बना रखा है इन लोगों ने। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। यार ये देखो, एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये पंखा देख रहे हो, जिस दिन भूकंप आया था ना दिल्ली NCR में, ये हल्का सा उस दिन नीचे आ गया है, एंड ऊपर थोड़ा सा क्रैक भी आ गया है हमारे दीवारों में। यार बाल इतने बड़े हो गए, बाल भी कटवाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा इधर बाल कटवाने का। देखते हैं अगर बाल कटवाने का भी टाइम मिलता है तो बाल भी कटवाते हैं यार, क्योंकि अजीब से मुड़ गए हैं बाल भी। यार बाहर काफ़ी ठंड है, एंड दो दिन से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, तो जैकेट वैकेट हम लोग ने डाल लिया है, एंड चलते हैं गुड़गांव की तरफ। तो यार गुड़गांव में काफ़ी तरीके के ठेके होते हैं, एंड उनमें से एक होता है L1 जिस पे हम आज जा रहे हैं, क्योंकि L1 पे ही जो होता है होलसेल प्राइस में सारी विस्कीज़ एंड सारे तरीके के लिकर्स मिलते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं L1 की क्या खासियत है एंड कैसे होता है। सो यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डिस्कवरी वाइन शॉप पे, ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाइन शॉप है गुड़गांव की, एंड ये पड़ती है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास, एंड काफ़ी अच्छा बना रखा है, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है यार, शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ। चलते हैं अंदर, अब दिखाते हैं आपको। यार ये शॉप कितनी बड़ी होती है ना, सारी तरीके की विस्की, रम्स एंड जितने भी तरीके के आप लेकर सोच सकते हो सारे ही मिल जाते हैं। हर तरीके का सेक्शन डिवाइडेड है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल इंडियन विस्कीज़ मिलती हैं, जैसे कि रॉयल स्टैग हो गया एंड इंपीरियल ब्लू हो गया, एंड काफ़ी सस्ते प्राइसेज में मिल जाती हैं यहाँ पर विस्कीज़। और ये रहा आपके सामने देख सकते हो 100 पाइपर्स का सेक्शन, और एंड प्राइस देख सकते हो, वन बॉटल की प्राइस जो है यहाँ पर 1200 रुपीज़ है, एंड ये इसका 12 ईयर एज वाला जो है इसकी प्राइस अराउंड 1500 है, एंड ये वाली जो है ये है 8 ईयर्स ओल्ड तो इसकी प्राइस 1100 है। ये देख रहे हो यार 25000 की बॉटल है पूरी, है सिंगल मॉल्ट आयरिश विस्की। सो गाइज ये है एब्सोल्यूट वोडका का सेक्शन, एंड यहाँ पे आपको सारे तरीके के एब्सोल्यूट वोडका के फ्लेवर्स मिल जाएंगे, एंड काफ़ी ही जेन्युइन प्राइस में है, 1000 रुपीज़ में आप कोई भी पिकअप कर सकते हो। एंड इस स्टोर की ये खासियत भी होती है कि अगर आप यहाँ पे 3 बॉटल्स लेते हो तो आपको काफ़ी सस्ते प्राइस मिल जाते हैं। सो गाइज आप लोग ये देख सकते हो, ये है पूरा ग्लेनफिडिक का सेक्शन, यहाँ पे आपको जो ग्लेनफिडिक की कलेक्शन है वो 3000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड जो मोस्ट एक्सपेंसिव बोटल है वो 15-16000 तक की भी अवेलेबल होगी यहाँ पे। ग्लेनफिडिक में अराउंड सारे कलेक्शन है, एंड ये है ग्लेन मोरेंगी, एंड आप प्राइसेस देख सकते हो सारे के यहाँ पे बॉटल्स के नीचे ही लगे हुए हैं, एंड काफ़ी सस्ते रेट हैं यार। गुड़गांव में एक चीज़ खासियत है कि शराब बहुत सस्ती है बाकी जगहों से, यूपी के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। एंड ये देखो आप, ये है जैपनीज़ विस्कीज़ जो कि नाम है टोकी, हिबिकी एंड यामाजाकी, ये वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस विस्कीज़ हैं क्योंकि लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, एंड वन ऑफ़ द मोस्ट टॉप सेलिंग विस्कीज़ में से एक है ये लेफ्रॉइक, जो कि प्राइस है 4500 रुपीज़ पर बॉटल, बाहर आपको ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। एंड ये है बाओमोर कलेक्शन जो कि आपको बस सिंगल मॉल्ट विस्की है जो 2500 में मिल जाती है, एंड ये है टीचर्स का यार 1 लीटर पैक जो कि आपको 1500 में मिल रहा है। अभी इसका प्राइस काफ़ी हैवी है क्योंकि पहले हम लोग इसको लेके जा चुके हैं, ये 1300 में मिलता था। एंड ये है पूरा जॉनी वॉकर का कलेक्शन, एंड ये है जिम बीम का 1 लीटर बॉटल जो कि 1500 रुपीज़ का है, यहाँ पे जिम बीम का एक्स्ट्रा एज कलेक्शन भी मिल जाता है जो कि 1850 का है। एंड ये आ चुके हैं हम लोग यार जैक डैनियल के सेक्शन में। तो अतुल भाई कौन सी पसंद आई? सारी। तो पसंद आ गई क्या भाई? ये कुछ यूनिक चीज़ है। क्या है समझ नहीं आ रही, ये क्या है? एपरॉल, दवाई कम लग रही है ज़्यादा दारू से तो। सही है ना, दवा और दारू। सो गाइज ये देख सकते हो, ये है ओल्ड पल्टने जो कि 4100 की है मात्र, एंड ये लगी है सामने आपकी ग्लेनफिडिक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बोटल जो कि 26000 की है। एंड यहाँ पे यार सारे तरीके की आपको बॉटल्स मिल जाती हैं, जैसे ये देखो आप, एक है जॉनी वॉकर की XR21 जो कि आपको पड़ती है 20500 की, एंड वैसे ये एबलर अवेलेबल है यहाँ पे, काफ़ी सारी महंगी ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। ये देख सकते हो आप मैकेलन इसके बगल में जस्ट लगी है जो कि 6500 की है, 12 ईयर्स में अवेलेबल है।
आपको यहाँ पे जैक डैनियल में सारा कलेक्शन मिल जाता है। ये है स्पेशल कलेक्शन 5200 का है जो जैक डैनियल का, एंड ये है फायर एंड एप्पल जो कि आपको 2300 का पड़ जाता है। देखो गाइस, अब तक एमजी की स्पोर्ट्स कार देखते थे, अब देखो एमजी की दारू वोडका। गाइस बाहर वाइन शॉप्स पे आपको इतना कलेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये देख सकते हो आप वैलेंटाइन 17 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड सारी अवेलेबल है। 17 ईयर ओल्ड 5000 की है, एंड जैसे ये देख सकते हो 12 ईयर्स ओल्ड जो कि आपको 3 बॉटल मिनिमम लेनी पड़ेगी, इसका प्राइस 5100 रुपीज़ है ओनली। और ये है वैलेंटाइन का नॉर्मल कलेक्शन जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ ओनली। जोधपुर जाने से पहले जोधपुर लेके जाए, जोधपुर लेके जाए साथ में, एंजॉय करते हो तभी जोधपुर का मजा है यार। यहाँ पे सारे ही कलेक्शंस मिल जाते हैं, ये देख सकते हो एक वोडका की बॉटल है, कितनी प्यारी लग रही है, एलिट वोडका, एंड काफी सही है यार। यहाँ पे सारे तरीके की विस्की जो है काफी सस्ते दामों पे मिल जाती है, एंड ये देख सकते हो आपकी फेवरेट दारू ब्लेंडर स्प्राइट, इसका प्राइस काफी सही है यार। यहाँ पे 650 की एक बॉटल मिल रही है, एंड 550 की बॉटल मिल जा रही है अगर आप 3 ले लेते हो तो। सो गाइज, यही है असली रेड लेवल, तुलसी अश्वगंधा वाली, डेली सुबह इसी को पिया करें। बाहर आपको ये मिलेगी मिनिमम 2000? हाँ 2000 की, यहाँ पे है 1000 रुपए की मात्र। पहले और कम, हाँ पहले 950 की थी, अब महंगी हो गई थोड़ी, फिर भी बहुत वर्थ इट। हाँ गाइस हम लोग आ चुके हैं अब जिन सेक्शन में, एंड ये देख रहे हो आपके सामने है मोस्ट फेमस जिन द लंडन जिन जिसकी प्राइस है 4800 रुपीस। एंड यहाँ पे जिन में भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स वगैरह अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी ब्रांड चाहिए आप जिस भी ब्रांड का नाम लो यहाँ पे वो अवेलेबल आपको मिलेगा। आप देख सकते हो सामने आपके सारे बॉटल्स एंड प्राइसेस सारे लगे हुए हैं यार, बाहर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है रेट्स में, क्योंकि ये यार यहाँ पे जो है ना L1 में ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इनकी सेल काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये लोग काफ़ी कम प्रॉफिट एंड मार्जिन पे काम करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भी कम लेती है यहाँ पे, तो इस कारण से बहुत ही सस्ती पड़ती है यहाँ पे। तो गाइज आप ये देख सकते हो, ये है रॉयल सैल्यूट, एंड ये है 21 ईयर ओल्ड विस्की, एंड जो इसकी प्राइस है यहाँ पे 15000 रुपीज़ है, एंड काफ़ी अच्छी विस्की है ये भी। ये है ग्लेनलिवेट का स्पेशल सेक्शन, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके की ग्लेनलिवेट अवेलेबल है, 12 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 17 ईयर्स में, द फाउंडर्स एडिशन, एंड ये आप लोग देख रहे हो जो कि है 15 ईयर्स में, एंड इसकी जो प्राइस है गाइज वो है 6500, एंड ये है द ग्लेनलिवेट फाउंडर्स कलेक्शन, फाउंडर्स रिजर्व जिसकी प्राइस है 4800 रुपीज़, एंड ये है ग्लेनलिवेट का 12 ईयर्स कलेक्शन जिसकी प्राइस है 3000 रुपीज़। गाइज ये है शैम्पेन सेक्शन, एंड यहाँ पे सारे तरीके की शैम्पेन्स अवेलेबल हैं, कोई भी ब्रांड की आप शैम्पेन पूछो यहाँ पे सारी अवेलेबल होंगी, एंड प्राइस जो स्टार्ट होता है शैम्पेन्स में वो होता है यहाँ पे 900 रुपीज़ से, एंड इट गोज़ अप टू 15,000, 20,000, 50,000 अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपका जितना भी बजट हो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। एंड ये आप लोग देख सकते हो वाइन सेक्शन, ये काफ़ी फेमस है, देख रहे हो आपके सामने जस्ट है मार्टिनी, आपको मार्टिनी के भी सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो आपके सामने प्राइस भी दिख रहे हैं सारे बॉटल्स के, एंड काफ़ी सारे फ्लेवर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ये है नीचे सारा वाइन सेक्शन यार, यहाँ पे इतनी तरीके की वाइन्स है ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, कम से कम नहीं भी तो 1000 तरीके की वाइन्स इन्होंने रख रखी है, एंड अभी आगे बात करेंगे वाइन सेक्शन पे, क्योंकि वाइन्स पे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यार यहाँ पे इतनी तरीके की वाइन्स है ना कि आप परेशान हो जाओगे, देख ही रहे हो आपके स्क्रीन पे जस्ट सामने ही आपको दिख रहा होगा, एंड ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसका कभी नाम ही नहीं सुना यहाँ पे। वैसे हम लोग ने वाइन्स में काफ़ी ज़्यादा जो सुना है वो है जैकॉब्स क्रीक हो गया, जैसे सुला हो गया, पर यहाँ पे हज़ारों तरीके के ब्रांड है। तो ये देख सकते हो ये है कैमास, एंड इसका जो प्राइस है वो है ओनली 1000 यार, 1000 के हिसाब से काफ़ी प्यारी बॉटल लग रही है, एंड टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि कभी ये सब चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। और आप देख सकते हो इसका प्राइस जो है ओनली 1200 रुपीज़ ही है।
यहाँ पे जो सबसे सस्ती विस्कीज़ मिलती हैं वो है इंडियन विस्कीज़। आप लोग देख सकते हो सामने लगी हैं, जस्ट जैसे रॉयल स्टैग हो गया, इंपीरियल ब्लू हो गया, ये सब चीज़ें। रॉयल स्टैग का मात्र यहाँ पे 350 रुपये प्राइस है। तो यार ये है बहुत ही फेमस रम ओल्ड मंक, एंड काफ़ी सेल होती है ये, एंड काफ़ी बहुत ही अच्छे प्राइस में यहाँ पर मिल रही है हमें। ये है 1050 की 3 मिल रही है यहाँ पर, तो काफ़ी सही प्राइस है यार इसका। मार्केट में अराउंड 550-600 की पड़ती है ना। यार इस शॉप पे जो सबसे बड़ा कलेक्शन है वो वाइन्स का है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड देख ही सकते हो आप लोग कितने सारे तरीके के वाइन्स हैं। हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं सही में कभी देखा ही नहीं इन्हें, क्योंकि यार ये सारे इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं। एंड वाइन्स में भी इनके पास काफ़ी सारी तरीके के फ्लेवर्स हैं, एंड अलग अलग देख रहे हो आप लोग ब्रांड्स के सारे आपके सामने ही पड़े हैं, जिनके प्राइसेस सारे लगे हैं। एंड अभी चलते हैं वाइन्स के बारे में, आगे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, क्योंकि हमें भी कुछ आइडिया नहीं है वाइन्स का उतना। तो बुलाते हैं किसी को, किसी से बात करते हैं यहाँ के सेल्समैन से कि वाइन्स कौन सी ज़्यादा अच्छी होती हैं एंड कौन सी सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग वाइन्स हैं, उसके बारे में पूछते हैं भैया से। अच्छा ये वाली, अच्छा ये लोकली मेड है यहाँ की, हाँ नासिक की। सेकंड मतलब जैसे हमारे और भी है, फ्रेटली है, सोलर हाउस। ये सोलर हाउस कितने की पड़ी है? ये पड़ी आपको 1100। अच्छा 1100 की। वैसे बेस्ट रेड वाइन कौन सी होती है? बेस्ट में जब आज तक तो जुनून की बेस्ट में चल रही है। ओके जुनून, इसका क्या प्राइस पड़ा है? 3600 जुनून। सही लग रही है ना बोतल का? सैटरडे नाइट के चलते यहाँ पे बहुत भीड़ है। बेसिकली अभी मोस्ट रनिंग ब्रांड कौन से हैं? रनिंग में पैसे के लिए अभी ग्रैंड नॉयर। अच्छा ग्रैंड नॉयर, ग्रैंड नॉयर क्या प्राइस पड़ रही है? 1000 रुपीज़ की। 1000 की, उससे पहले 1350। अच्छा अभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह अपने स्टोर पर चल रहा है? विंटर डिस्काउंट। अच्छा विंटर डिस्काउंट चल रहा है, ओके। जी तो गाइज आपको मैंने दिखाया अभी कि यहाँ पे सारे तरीके के वाइन्स, विस्कीज, इंजन्स वगैरह सारे अवेलेबल ही थे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का एड्रेस एंड लोकेशन वगैरह डिटेल्स डाल दूंगा, एंड आप लोग जब भी चाहो यहाँ विजिट कर सकते हो, अपने मन पसंदीदा वाइन्स वगैरह एंड विस्कीज़ वगैरह परचेज कर सकते हो। तो अब चलते हैं घर की तरफ। एंड यार काफ़ी मज़ा आया घूम के यहाँ पे वाइन शॉप में, क्योंकि यार मुझे भी बहुत शौक है विस्कीज़ वगैरह कलेक्शन करने का, एंड मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन हैं भी। एंड आज हमने लिया है 2 तरीके की बॉटल जो सरप्राइज़ हैं, आपको चलते हैं घर पे दिखाएंगे। तो यार हम लोग वापस आ चुके हैं घर, एंड अभी हम लोग लाए हैं 2 सरप्राइज़ जो आपको दिखाते हैं, जो कि हमारे विस्की के कलेक्शन में शामिल होने वाला है। तो यार ये 2 बॉटल हम लोग अपने कलेक्शन के लिए लेके आए हैं। ये है एक स्काई वोड का, एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी यार इसकी बॉटल, एंड यूनिक लग रही थी, तो इसीलिए हम लोग ने ले लिया। इसको हम लोग अपने कलेक्शन में शामिल करेंगे। एंड ये हमें जो पड़ी है वो है 1100 की। एंड ये है यार सिंगलटन, जो कि एक सिंगल मॉल्ट 12 इयर्स ओल्ड विस्की है, एंड काफ़ी अच्छी विस्की है यार ये। एंड हमारे पास ये कलेक्शन में थी भी नहीं, तो इसीलिए हम लोग ने इसे ले लिया। ये हमें पड़ी है 4500 की। इसको अभी खोल के दिखाते हैं आपको इसका बॉटल, काफ़ी प्यारा बॉटल है यार इसका। यार ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही थी बॉटल, तो इसीलिए हम लोग ने इसे ले लिया यार। एंड एक अभी आपको दिखाते हैं कि जो कि मेरी फेवरेट बॉटल है, जो कि हम लोग ने कलेक्शन में रखी हुई अपने, वो है मेरी फेवरेट बॉटल जो मैंने खरीदी थी, एंड ये है द ग्लेन ग्रांट, एंड ये है एक सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की है। इसके अंदर यार 2 बॉटल्स आती हैं, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया था। ये देख सकते हो आप, ये एक 10 ईयर्स ओल्ड सिंगल माल्ट विस्की है, एंड इसके साथ हमें एक डिकेंटर फ्री मिलता है। एंड यार ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, एंड लुक भी काफ़ी अच्छा था, इस बॉटल का पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने अपने फादर के लिए गिफ्ट के लिए लिया था इसको। एंड अभी तक यार दे नहीं पाया हूँ उसे, तो कभी जाएंगे तो पापा के लिए लेके जाएंगे इसको। सो यार आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, एंड यार सपोर्ट बनाए रखो, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो, लाल घंटी बजाओ।